घर सजाना किसे अच्छा नहीं लगता, हम सबको अच्छा लगता है। इसीलिए हम अपने घर को अपने पर्सनल टच के साथ सजाना चाहते हैं, कुछ ऐसा यूनिक करना चाहते हैं जो उसे सबसे अलग दिखाए। और इसी कोशिश में हम कुछ नया बनाते हैं, क्रिएट करते हैं या कुछ अलग तरीके से घर को सजाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में और मैं हूं आपकी दोस्त अपर्णा। ये हैं वो अर्दन पॉट्स जिनको हमने पेंट करके कन्वर्ट करना है ब्यूटीफुल होम डेकोर में। इसको आप किसी भी कुम्हार से या फिर किसी मेले वगैरह से ले सकते हैं। मैंने इस पे वॉल डिस्टेम्पर करके इसको तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस पे प्राइमर के रूप में जैसो या चॉक पेंट भी लगा सकते हैं। और ये है वो रेफरेंस शीट जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाली है, इससे मैं इस पे डिज़ाइंस बनाऊंगी। आप चाहें तो इन डिज़ाइंस को अपने पॉट्स पर ट्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही हो, मैंने इसको पेंसिल से इस पे ड्रॉ कर दिया है और साइज़ को थोड़ा एनलार्ज भी कर दिया है अपने पॉट के अकॉर्डिंग। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने पॉट को कुछ 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी जिस हिसाब से मुझे इसमें कलर करना है। तो मैंने यहाँ पर सोचा है कि मैं यहाँ सिर्फ 3 कलर ही लगाने वाली हूँ, ब्लैक, गोल्डन एंड वाइट। तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर मुझे ब्लैक कलर करना है, मैं पहले उन हिस्सों पे ब्लैक एक्रेलिक कलर लगा रही हूँ। जब मैंने ये पॉट्स तैयार किए थे तो चारों पॉट्स को एक साथ ही तैयार किया था, लेकिन मैं आपको पहले इसी पॉट का पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊंगी और बाकी के 3 पॉट्स को मैं टाइम लैप्स के साथ दिखाऊंगी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब तक कलर का एक कोट नहीं सूखता, हम उस पर दूसरा काम नहीं कर सकते। तो जिस पे मैं ब्लैक कलर लगा रही थी, जैसे ही ब्लैक कलर को मैंने ड्राई करने के लिए रखा तो दूसरे पॉट पे जहाँ जिस पोर्शन पे मुझे ब्लैक करना था, ब्लैक किया। इसी तरह से मैंने फिर गोल्डन और वाइट कलर्स को किया है। इस तरह से सभी पॉट्स एक साथ तैयार भी होते रहे और साथ के साथ ड्राई भी होते रहे। तो अगर आप कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट लेकर बैठे हों तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक जो आप कलर कर रहे हैं उसके सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आप उसके ऊपर दूसरा काम कर पाएंगे। अब हम इस पॉट पे गोल्डन कलर लगा रहे हैं। गोल्डन कलर मैंने जो है वो इनेमल पेंट को यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे पोर्शन पे मुझे गोल्डन कलर लगाना था, तो ये इकोनॉमिक रहता है। अगर मैं फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर गोल्डन लेती या गोल्डस्ट लेती तो वो इतना इकोनॉमिक नहीं रहता। और इसके बाद जो बाकी बचे पोर्शन थे उन सब पे मैंने वाइट एक्रेलिक कलर लगा दिया है ताकि उसमें एक शाइन आ जाए। अब मैं अपने क्यूट एलिफेंट को ब्लैक एक्रेलिक कलर और 0 नंबर के राउंड ब्रश के साथ जो गोल्डन पोर्शन था, कम्प्लीटली ये सूख चुका है, उस पे बना रही हूँ। आप ये काम परमानेंट फाइन टिप मार्कर के साथ भी कर सकते हैं अगर आप ब्रश के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही एलिफेंट मोटिफ ही बनाएं, आपको गूगल इमेजेस पे या पिंटरेस्ट पे बहुत से अदर पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे फिश है, पिकॉक है या कोई और लीफ का पैटर्न आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये अपनी चॉइस है। मुझे इस बार कुछ एलिफेंट के साथ करना था तो मैंने ये क्यूट से एलिफेंट, ये बेबी एलिफेंट है एक्चुअली और अलग अलग पोस्टर्स में हैं, मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैंने इनको ही चूज़ किया। जब भी आप कुछ हैंड पेंटेड बनाते हैं या कुछ हाथ से बनाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही परफेक्शन आए। जैसे कि आप डिटेलिंग करते हुए आपका हाथ एकदम स्टडी हो, ज़रूरी नहीं है। कुछ लाइंस, कुछ पैटर्न्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और यही, यकीन मानिए, यही हैंडमेड प्रोडक्ट्स की ब्यूटी होती है। आप देखें, अगर स्केल से खींची हुई लाइन हो या फिर आप मधुबनी में एक सीधी लाइन हाथ से खींचते हैं, उन दोनों में इतना फ़र्क आता है और यही जो है उस फोक की जो सुंदरता है उसको दर्शाता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपकी जो पेंटिंग है वो परफेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो आपने बनाई है। डिटेलिंग करते हुए या थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो जाए तो आप उस करेक्शन के लिए परमानेंट मार्कर यूज़ करें। और ये देखिए, ये है फाइनल लुक, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये हैं बाकी के पॉट्स जो अब आगे तैयार होंगे, इनको आप टाइम लैप्स में देखें कि कैसे मैंने इन पॉट्स को रेडी किया है।
वही सिमिलर पैटर्न्स हैं, थोड़े पोस्चर्स चेंज हैं एलिफेंट के, और मैंने अपनी पसंद से इधर उधर कहीं ब्लैक, गोल्डन या वाइट कलर लगाया है। तो देखते हैं आगे वीडियो। एलिफेंट बैकग्राउंड को दो पॉट्स में मैंने वाइट रखा है और दो में गोल्डन रखा है। तो जहाँ पर मैंने वाइट रखा है बैकग्राउंड को, उसमें मैंने ब्लैक कलर से एलिफेंट को बनाकर उस पर गोल्डन डिटेलिंग दी है, जैसा कि इस पॉट में मैंने किया है। और जो ऊपर खाली स्पेस दिख रहा है, वहाँ पर मैंने कुछ रैंडम पैटर्न्स बना दिए हैं। कोशिश की है कि हर एक पॉट के नेक को मैं कहीं ना कहीं गोल्डन टच दूँ, और इस तरह से ये पॉट भी रेडी हो गया है। इस गोल्डन बैकग्राउंड पे हम डायरेक्टली ब्लैक कलर से एलिफेंट मोटिफ बना रहे हैं और डिटेलिंग कर रहे हैं, और उसी तरह से जो स्पेसेस बचेंगे वहाँ पर हम रैंडम पैटर्न्स बनाएंगे। बॉर्डर के लिए मैंने कहीं पे ट्रायंगल और कहीं पर लाइंस को चूज़ किया है, और इस तरह से अगर आप पॉट को घुमाते रहेंगे अपने ब्रश को स्टडी रख के, तो भी आप बड़े आराम से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। डॉटिंग टूल से आप डॉट बनाएं, और ये हमारा थर्ड पॉट भी एकदम रेडी है। ये सबसे छोटा पॉट था, तो इस पे डिज़ाइन बनाना थोड़ा चैलेंजिंग था, पर हो गया। इस पे जो एलिफेंट है वो सिटिंग पोजीशन में है, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।